और आइए बात उन खबरों की जो खबरों के पीछे की एक लिहाज से वो खबर होती है जिसकी आहट होते ही लगता है कि दरअसल खबर जो दिखाई दे रही थी उसके पीछे का सच क्या। दाऊद इब्राहिम, उनके छोटे भाई शकील, छोटा शकील, आज तक की खास बातचीत हुई है जिसमें उसने याकूब समेत दाऊद को मुंबई बम धमाके के आरोपों से बरी कर दिया है। छोटा शकील का यह भी कहना है टाइगर मेमन के गुनाहों की सजा याकूब मेमन को दी गई। कंपनी क्या बोलती है इसके ऊपर वो बात छोड़ें, दुनिया ने देखा है इस चीज को कि हिंदुस्तान में कैसा इंसाफ होता है, लोगों को कैसा इंसाफ मिलता है। एक ही दिन में 4 पिटीशन खारिज होती है, ये कोई कानून है? ये बताएं हिंदुस्तान के डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, हिंदुस्तान की अदालत है, उन्होंने क्या किया याकूब के साथ? बेगुनाह आप कैसे कह सकते हैं? बेगुनाह कह सकते आप? पूरी दुनिया चिल्ला रही है सीरमन ने क्या कहा वो देखें आप। नहीं, लेकिन खुद जो स्टेटमेंट ये आदमी हाजिर हुआ है, सरेंडर किया है और उसने सारे डॉक्यूमेंट वीडियो ऑडियो हर उसने दी है। माफी रहमान ने क्या कहा कि मैंने वो वीडियो सुनी है, ऑडियो सुनी है, वीडियो देखी है, मैंने पूरा स्टेटमेंट देखा है मैंने, तो उसको आप लोग रिलीज करें तो उसमें दाऊद भाई का क्या है? दाऊद इब्राहिम सामने आ जाएगा। दाऊद मेरा जहां तक ख्याल है कि याकूब को ये इसलिए सजा दी गई है कि उसने दाऊद भाई को इस केस के अंदर क्लियर किया है। नहीं, शॉर्ट ट्रेक में उसने इंटरव्यू वो पूरा न्यूज आप देख लें, लाइव दिखाया है उसका स्टेटमेंट, उसने खुद ही कहा था जिसमें दाऊद भाई का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो जो कैसेटें सुनी गई है डिपार्टमेंट के पास रखी हुई है जो याकूब ने ले गया है इनके पास एविडेंस के बतौर, क्या कैसेटें ले गई है? शकील भाई, मेरा सवाल है कि टाइगर मेमन फिलहाल क्या डी कंपनी को कोई जानकारी है कि टाइगर मेमन कहाँ है और टाइगर मेमन को इसका मास्टरमाइंड माना जाता है, दाऊद इब्राहिम से उनकी करीबी थी और इस तरह से बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने ये धमाके कराए थे, इस पर दाऊद इब्राहिम की कोई प्रतिक्रिया? करीब तो आप भी मेरे हो, मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे करीब हो, इसका मतलब आप मेरे दोस्त हो गए। जी, अब रही बात टाइगर मेमन की है, तो टाइगर मेमन की सजा उसके भाई को दोगे? तो आप ये मानते हैं कि टाइगर मेमन एक आदमी आया है उधर सरेंडर हुआ है, सारे एविडेंस के साथ हुआ है, अपने सारे पासपोर्ट पे आप देख लें, वीजा लगा के वो वहां गया है, इसकी वीजा लगा के किया है, तो ये पूरी आपकी इन्वॉल्व थी या नहीं थी इंसाफ नहीं किया है? शकील भाई, मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि टाइगर मेमन की सजा याकूब को मिली, तो क्या आप ये मानते, क्या डी कंपनी मानती, क्या दाऊद इब्राहिम ये मानते हैं, उन्होंने पहले भी कहा है कि टाइगर मेमन से उनकी जान पहचान थी, टाइगर मेमन इस धमाके में शामिल या नहीं है, जैसा आपने कहा ये सही है? देखिए भाई, डी कंपनी की हर जगह पहचान है, डी कंपनी को हर लोग जानते हैं, डी कंपनी ने ये क्या की है आपके ऑफिसर्स भी जानते हैं, ऑफिसर्स ने खुद आके टीवी पे इंटरव्यू दिया है, वो सीबीआई का ऑफिसर सरदार, उससे पूछने जाके कि इसमें दाऊद भाई का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके उसको लाकर यहां करोगे क्या, कोई एविडेंस नहीं है, तुम क्यों खोदना चाहते हो इस केस को? क्या टाइगर में इस
इस केस के मामले में कल पूरी दुनिया ने देख लिया है, आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि याकूब मेमन के साथ तुम लोगों ने क्या किया, क्या इंसाफ किया है? नहीं, अदालत ने इंसाफ किया, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा, अदालत छोड़ो, अदालत को वो मानते ही नहीं है, ये इंसाफ है? ये बदले का इंसाफ है? बदला लिया है तुमने एक आदमी से?